कितना हो, एज हो गया होगा इस घोड़े का? 22 महीने 22 महीने का है। हाँ। अच्छा, अभी उदंत है। और कौन सा ब्रीड है ये? मुल्तानी सिंधी है। मुल्तानी सिंधी। सिंधी सबसे बड़ी वाली है जी। ये मम्मी है इसकी जी, और ये तीन को बेबी है इसका, एक दो और एक यहाँ है ना तीन। जी तो इसका सब कोई बात करता है, मतलब सब कोई मम्मी पापा जो बोलता है सभी कुछ बोलता है। मतलब वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा जोहार। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ आपको घोड़ा और गाय बैल दिख रहे हैं। मैं आया हुआ हूँ रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे पशु पक्षी प्रदर्शनी लगा है। आज किसान मेले का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में पशु पक्षी प्रदर्शनी लगाया गया है, कल ये मेला ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के यहाँ आपको पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। कितना के जी का है भैया? एक क्विंटल का है जी, दूध आठ है, अभी और बढ़ेगा। अच्छा, क्या बकरी का नस्ल क्या है? वही मैं पूरी है इधर है ना। और कितना साल का होगा? 3 साल का है। 3 साल का है, एक क्विंटल। इसका यूज क्या चीज में करते हैं? इसका यूज कोई चीज में, खाली इसको खाना पीना देते हैं अभी, और रख रख। और शो में प्रदर्शनी में लेके आते हैं ना। कहाँ से आए आप? सुखरूपी से आए। अच्छा, हम तो 1.5 लाख रुपए रहे। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख रुपए इसका दाम रखेंगे। कुर्बानी में बढ़िया मिलता है? नहीं भी मिलने कोई दिक्कत है, हम तो घर में इस करिए ना। हाँ, जब कोई फंक्शन हो जाए हम तो बेचना ना को लगा रहे। आपको पशुधन से कुछ आमदनी भी हो जाएगा। सबसे बड़ी वाली है जी, ये मम्मी है इसकी जी, और ये तीन को बेबी है इसका, एक दो और एक यहाँ है ना तीन। जी तो इसका सब कोई बात करता है, मतलब सब कोई मम्मी पापा जो बोलता है सभी कुछ बोलता है। मतलब एक बार बोल के सर दिखवाएंगे किसी से भी? सुबह से ये लोग पता नहीं किसके किसके हाथ में गया, तो अभी बोलेगा कि नहीं। कोशिश, अच्छा मिष्टी मीठो जल्दी आजा बात करो। ओए मिस्टी को बुला, मिस्टी को बुला, बुला मिस्टी को। नहीं बुलाएगा? बुला मिस्टी को, बुला बुला मिस्टी। आ मिस्टी आ। अभी ज्यादा लोग देख के लगता है डर गया है ना, डर गया है। और क्या परपस सेल करते हैं? नहीं नहीं सेल नहीं करते, बस पालने के लिए और इसमें दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए। ये भागता नहीं है, उड़ता नहीं, नहीं है? ये एक्चुअली में मतलब बाहर वाला रहता है ना, तो उड़ के चले जाता है, जो खरीद के लाता है वो सब उड़ के चला जाता है। ये लोग घर में ही बच्चा से मतलब अंडा से बच्चा हुआ है, तो अभी ये लोग को बाहर का दुनिया पता ही नहीं है। अगर उड़ के भी चला जाता है, 2-3 बार चला गया था, बट दूसरे के घर में जाता है, बोलने लगता है छोटू बेबी माँ पापा, फिर उसके बाद वो अपने आप आ जाता है। अच्छा, तो इसी तरह बस आप शौक के तौर पे इसको लाए हैं और प्रदर्शनी में इसको लगाए हैं? शौक के तौर पे। काफी सुंदर है। चारों का नाम रखे हैं क्या? हाँ, चारों का। क्या क्या नाम है? वो मिठू है जी, ये मिष्टी है ये। हाँ, वो मिष्टी वो सबसे लाडला है, क्योंकि उसका पैर टूट गया था, तो बहुत लाडला से उसको बहुत लाड और प्यार से पाले है उसको। चलिए, बहुत सुंदर है आपका तोता सर। ठीक है, थैंक यू। बदमाशी नहीं? नहीं 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 नहीं। मिस्टी कहाँ से आए हैं आप? हम कांके से आए हैं, सिर। अच्छा, बगल का सिर। ठीक है, थैंक यू सर। के अलावा यहाँ घोड़े भी है, देखिए घोड़ा। ये इसको पहन लीजिए, शो के लिए रखे हैं इसको। और ये कितना हो, एज हो गया होगा इस घोड़े का? 22 महीने 22 महीने का है। हाँ। अच्छा, अभी उदंत है। और कौन सा ब्रीड है ये? मुल्तानी सिंधी है। मुल्तानी सिंधी। सिंधी बोलते हैं। और इसका यूज क्या चीज के लिए करते हैं? इसको हम लोग शौक के लिए रखे हैं, बस शौक के लिए। चढ़ते हैं? चढ़ते हैं, केवल इसमें सवारी करते हैं। और खाने का, इसमें खाने के लिए कितना खर्च हो जाता है? खाने के लिए वही चोकर लगता है, कुटी लगता है, चना।
महीने का लगभग कितना खर्च हो जाता होगा? एक दिन का मोटा मोटी रखिए 200 खर्च हो जाता है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो यहाँ बगल बस्ती हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर है आपका, दोनों हम ही लोग का है। अच्छा, एक घोड़ा ये है और एक पीछे वाला, वो कितना साल का है? वो लगभग 30 महीना का। 30 महीना का है। और वो कौन सा नस्ल है घोड़े का? वो है मारवाड़ नस्ल। मारवाड़ी नस्ल। अब बस शौक ही के लिए दोनों का आप लोग पालते हैं, इसके अलावा इसका बिजनेस में कोई यूज नहीं? कोई यूज नहीं, शादी पार्टी सब कभी नहीं देते, शौक के लिए। क्या नाम है दोनों का? इसका चेतक नाम है, उसका बादल नाम है। बादल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी आप देखिए, यहाँ काफी सारे गाय बैल सब प्रदर्शनी में रखे गए हैं। क्या है भैया गाय प्रदर्शनी में, इसमें क्या खासियत है कुछ बताइएगा? देसी है और क्या, हम लोग का भारत का साहीवाल है, मतलब। अच्छा, हाँ, साहीवाल गाय है अपना देश का। कितना लीटर दूध देती है? 13-14 लीटर दूध है। ये सभी गाय का? जी, सबका नहीं, मतलब किसी का कम है किसी का ज्यादा है। अच्छा, अभी आप इसका दूध बेच के बिजनेस करते हैं ना? एक गाय कितना लीटर दूध देती है बोले? दोनों टाइम मिला के 12-13 लीटर दूध देती है। अच्छा जी, तो अभी आप प्रदर्शनी में बस इसको दिखाए, हम लोग अपना जो भी है उसके बाद जजमेंट किए, सर ले गए, उसके बाद हम लोग घर ले जा रहे हैं। अच्छा, और बाकी वो सब गाय आप ही का? नहीं सर, आगे। अच्छा, उन लोग का, ठीक, थैंक यू। ऐसे आप आए कहाँ से हैं? जी, बगल के सेम्बर टोली गाँव। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। एक 70 केजी का है। और ये कौन नस्ल का बकरी है? कामोरी है। कौन सा? कामोरी। कामोरी, और इसका उपयोग क्या चीज में होता है? उपयोग तो इसे मांस फंक्शन कर सकते हैं आदमी को। ऐसे आप इसको पालते हैं प्रदर्शनी में लेके आते हैं? मेरा दूध के लिए। अच्छा, आपका दूध के लिए है वो। कितना लीटर दूध देता है? पर डे 3 लीटर। पर डे 3 लीटर देता है दूध। अच्छा, इसका दूध कैसे मार्केट में बिकता है? दूध कैसे, अभी इसका बहुत ज्यादा मांग नहीं है जी, लेकिन अभी हम इसको गाय ही का दूध का रेट में बेचते हैं। अच्छा, गाय का दूध का रेट में बेचते हैं ना। और कहाँ से आप आए हैं? बाढ़ से, मतलब पिठोरिया। पिठोरिया से है, चलिए, अच्छा, बहुत सुंदर है आपका, बहुत बड़ा है, ठीक है सर, थैंक यू। आपका है सर बकरी? हाँ। कुछ बताइएगा बकरी। अच्छा, सर आपका बकरी है? हाँ। कुछ बताइएगा इस बकरी के बारे, क्या बताएं? क्या है मतलब प्रदर्शनी में लाने का क्या उपदेश और क्या कुछ अलग है इसमें? देखाने के लिए आदमी जानना चाहिए कि। तो कितना केजी का बकरी है सामने जो दिख रहा है? जी, ये होगी लगभग 50 केजी के। 50 केजी का है और देसी नस्ल का है? नहीं, देसी नहीं, बीटल क्रॉस में। क्या बोलते हैं? बीटल क्रॉस में। बीटल क्रॉस में है। और ये वो भी आपका है क्या? हाँ, तो वो कितना केजी का है? वो लगभग 70 केजी होगा उसका वजन। अच्छा, तो इसके पालने का उद्देश्य क्या, कुर्बानी वगैरह में इसको? हाँ, कुर्बानी वगैरह में, और फिर जरूरत जब भी पड़ा आदमी बेच सकता है। तो क्या इसका रेट मिल जाता है अगर इसको बेचते हैं तो? उतने से वही लगभग वजन के हिसाब से, जो 500-600 रुपये केजी वजन में बिक जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, जैसे वहाँ बता रहे थे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, वैसा नहीं? कुर्बानी में उस टाइप का अगर हो, सुंदर हो जी, बढ़िया रहता है। बाकी ये सभी आपका है ना? ये है, फिर आगे 4 खस्सी है उधर। अच्छा, वो 4 वह हैं लगभग, कुर्बानी पर्पस से रखते हैं हम। अच्छा, और कहाँ से आए हैं सर? पतरा टोली, ये बगल में ना, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर है, लगभग यही बिजनेस करते हैं आप सबको? हाँ, लगभग यही काम, ठीक है सर, धन्यवाद। बाकी यहाँ सुअर के अलग अलग प्रजातियाँ आप देख सकते हैं। आज किसान मेले का दूसरा दिन था, यहाँ पे पशु पक्षी प्रदर्शनी लगाया गया था। कल मेले का समापन होगा। मेले में यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है, झूले वगैरह है बच्चों के लिए। यहाँ आप देखिए बहुत भीड़ है, अगल बगल गांव से लोग आए हैं, फिर स्कूल के काफ़ी बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट भी काफ़ी हैं।
तो अगर आपके पास समय है तो कल एक बार जरूर जाके इस मेले का आनंद ले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।